हरिपुर का सूखा तालाब चौक जो कि एक मुख्य व्यापारिक चौक है जिसके इर्द गिर्द व्यापारिक प्रतिष्ठान है, परंतु यहां दुकानों के पीछे लोग अपने घरों का कचरा फेंक रहे हैं। इस कारण ये एक डंपिंग साइट बनकर रह गई है जो कि बीमारियों को न्योता दे रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया, परंतु आज दिन तक इस पर कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई। लोग रोजाना अपने घरों का वेस्ट मटेरियल यहां फेंक रहे हैं जिस कारण यहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अक्सर इन गंदगी के ढेरों में आवारा पशु घूमते रहते हैं, परंतु स्थानीय प्रतिनिधि मूक बने ये सब कुछ देखते रहते हैं। मैं बाल विपर संगोई निवासी हरिपुर सुखा तालाब से अपनी समस्या आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के सामने ये सुखा तालाब है जो कि एक डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। पूरे शहर का गंद यहाँ फेंका जाता है और प्रशासन उसको रोज देखता है। इवन पंचायत से बार बार बोलने के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इससे भी कोरोना फैलाने का पूरे चांस है। तो मेरा निवेदन है कि अब इसका जो है ध्यान दिया जाए प्रशासन की तरफ से भी और पंचायत की तरफ से भी। असली कोरोना। अच्छा, तो जहाँ तक कोरोना की बात है तो इसके तो लोगों को सरकार की बिल्कुल जो है दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए ताकि लोग इससे बच सकें। तो लोगों को अपनी सेफ्टी खुद करनी है। मैं प्रधान व्यापार मंडल हरिपुर बाजार अतुल महाजन सभी इलाका वासियों को दिव्य हिमाचल वेब टीवी की तरफ से आग्रह करता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना की महामारी है, वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, इसमें ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में 40,000 से ऊपर केस हो गए हैं और 1100-1200 से ऊपर मौतें हुई है। लेकिन जो सरकार ने जो ये इसलिए कम है आज की डेट में क्योंकि इसमें प्रशासनिक तौर पर सरकार के तौर से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास किए गए, लेकिन इसमें अभी भी जो है हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और इनको हमें समझना चाहिए कि ये महामारी जो है, अगर हमारी छोटी सी गलती जैसे कि कुछ भी हम लापरवाही करते हैं तो ये हमारे घर तक पहुँच सकती है। हिमाचल में जैसे आज की डेट में प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्य किए गए उसकी वजह से हम सेफ हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकार हमारी तरफ से क्या योगदान है ये हमें भी सोचना चाहिए। हम दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें खुद देखनी है। अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं रास्ते पर चले हैं, मास्क लगाया है, प्रॉपरली हम उस प्रिकॉशन के साथ चल रहे हैं, अपने हाथ प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, ये हमें देखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए, ये चीज़ हमें हमारे परिवार को खतरे में डाल सकती है। तो पहले हमें इसके बारे में सजग रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आग्रह करूँगा हर एक इंसान से कि देखिए, आज की डेट में सामान खरीदना इतना ज़रूरी नहीं है, वहाँ भीड़ लगा के आप नहीं बचने वाले। कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से दूरी बनाएं, उस दूरी का हमें फ़ायदा है। अगर किसी भी बीमारी ग्रस्त व्यक्ति से संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमारा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा आस पड़ोस या हमारा पूरा गांव उसके संक्रमित हो जाएगा और उसका नुकसान हमें कई महीनों तक लेना भरना पड़ सकता है। तो आप खुद सोचिए कि आज की डेट में हमें सरकार ने ये सहूलियतें दी हैं तो हमारी थोड़ी सी सजगता हमें साथ दे सकती है। हम चाहते हैं ज़िंदगी भर ऐसे ही हम चलते रहें, ऐसा नहीं है कि हमें कमरे के अंदर बैठ के रहना पड़े। हमें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें अपना सजग रहना ज़रूरी है। इस बीमारी से अगर बचना है तो कृपया दूरी बनाए रखें, अपने आप को सैनिटाइज करें, प्रॉपर मास्क का उपयोग करें, किसी बीमार या वृद्ध व्यक्ति को बाहर ना निकलने दें और हो सके तो अपने घर में बंद रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाज़ार से बाहर निकलें। धन्यवाद। मैं हरिओम शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहरा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे कोरोना वायरस COVID-19 के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरा विश्व कोरोना वायरस COVID-19 की चपेट में है, 2,00,000 से अधिक मौत हो चुकी हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत में भी 1100 के लगभग मौत हो चुकी हैं। ये हमारे लिए एक राहत की खबर है कि हिमाचल लगभग कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन इससे हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में हालात ठीक नहीं हैं और यहाँ पर हमारा आना जाना बना रहता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सब घर पर रहें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक कोई बड़ा जरूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलें। इसी में हमारी सेफ्टी है, इसी में हमारी सुरक्षा है कोरोना वायरस से। धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार, पूर्व प्रधान हरिपुर। मैं दिव्य हिमाचल के माध्यम से
अपने इलाका के वासियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के माध्यम के लिए पूरा विश्व इस वक्त कोरोना वायरस से ग्रसित है और पूरे विश्व में इस वक्त 2.5 लाख के करीब मौतें हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका में इस वक्त 68,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं और भारत में भी लगभग 1100 के करीब इस वक्त तक मौतें हो चुकी हैं और हमारे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ज़्यादा जो केसेस आए हैं और दूसरा हिमाचल में इस वक्त बहुत राहत की खबर है। मैं प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ लोगों को सतर्क रहने के लिए जिम्मेवारी दी थी, लोगों ने पूरी निभाई है और मैं आगे भी इनसे यही उम्मीद चाहता हूं कि कोरोना वायरस के लिए घर पर रहें, ज़रूरी काम के लिए ही मार्केट में आएँ और हो सके तो कम से कम मार्केट में आकर अपना जो है ख़रीदारी है करें और जो 1 मीटर के दायरे में रहकर ही अपना जिम्मेवारी के साथ इस जिम्मेवारी को निभाएं, क्योंकि इस वक्त हिमाचल एक पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर ऐसा केसों में कमी आई है और मैं चाहता हूं हमारे भी प्रदेश सरकार और प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो ऐसे ही हमें जागरूक करते रहें और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ हम लोगों का साथ दिया है, हम भी उनका साथ देंगे। धन्यवाद।